हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजीटी एजुकेशन में। आज के वीडियो में जो मैंने बेसिक उस समय 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स लेसन 2 का स्टार्ट किया था, उसका अगला पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने उसमें सिखाया था क्या होता है पैरेलल लाइंस, क्या होता है ट्रांसवर्सल और क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमने देखा था। अब उसके आगे देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के एक साइड होना चाहिए और दोनों जो पैरेलल लाइंस है उसके इनसाइड होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो डायग्राम में देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कौन सा होगा अपना इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल हमारे कैसे है इंटीरियर एंगल। अगर नाम बोला जाए कैसा होगा, पी एम एन और आर एन एम या एम एन आर, और दूसरा कौन सा एक पेयर होगा, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम कैसा बोलेंगे, क्यू एम एन एंड एम एन क्यू, एम एन एस या एस एन एम। ओके, देखिए मैंने नीचे लिखा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर। पहला कौन सा होगा पेयर, एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर, मतलब ये और ये। दूसरा पेयर क्या लिखा है देखिए, क्यू एम एन, क्यू एम एन मतलब ये एंगल उसकी जोड़ी के साथ होगी ये वाला एंगल से एम एन एस, यहाँ लिखा है मैंने एम एन एस। ओके, तो ये हमने देखा किसके बारे में, इंटीरियर एंगल के बारे में। तो याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल का चार पेयर बनता है और इंटीरियर एंगल का कितना होता है, दो पेयर। ओके, अब देखते हैं क्या होता है अल्टरनेट एंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल सो अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब सिंपली मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, लेकिन याद रखना अल्टरनेट एंगल का दो टाइप होता है, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा क्या होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके नीचे क्या लिखा है, इन द फिगर देयर आर टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड टू पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। मैंने आपको बताया अल्टरनेट एंगल का दो टाइप होता है, दो पेयर होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का और दो पेयर होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। और याद रखना इसको हम बोलते हैं जेट टाइप। ये कभी भी ये जो एंगल होता है आपको जेट शेप में दिखाई देगा। कैसे, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखिए एक एंगल ये, इसका अल्टरनेट एंगल होगा कौन सा, ये। अगर मैंने आपको बोला इसका नाम बताया तो क्या होगा, पी एम एन। ओके, और दूसरा उसकी जोड़ी किससे जमेगी, एम एन एस, मतलब पी एम एन उसका पेयर कौन है, एम एन एस। ये दोनों एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल, और उन्हें बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि दोनों पहले लाइन के अंदर है। तो सेम मैनर में एक पेयर ये और एक पेयर क्या होगा, ये, तो इसका नाम क्या होगा, क्यू एम एन। ओके, और दूसरा पेयर कौन सा होगा, ये वाला, इसका नाम क्या बोलेंगे, एम एन आर। तो नीचे देखिए मैंने लिखा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल्स एट द इनर साइड ऑफ लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर का। तो पहला पेयर क्या है, एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन एस, और दूसरा क्या, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल आर एन एम। ये मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया। अब वापस डायग्राम में देखते हैं, अब हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देख लिया, अब क्या देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखिए उसका एक पेयर होगा एक ये, उसका पेयर क्या होगा इसके साथ, एक जोड़ी हो गई, तो इसका नाम कैसे लेंगे, एंगल ए एम पी, एंगल क्या लेंगे, ए एम पी, और इसका नाम कैसे लेंगे, एस एन टी या टी एन एस। यहाँ देखिए मैंने लिखा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल्स एट द आउटर साइड ऑफ लाइन, जो पैरेलल लाइन है उसके आउटर साइड में। तो पहला पेयर मैंने आपको दिखाया एंगल ए एम पी एंड एंगल टी एन एस, और दूसरा पेयर मैंने लिखा है एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी। डायग्राम में देखिए आपको समझेगा, तो एक पेयर ये और ये दोनों एक पेयर होगा, दूसरा देखिए एक ये और इसकी जोड़ी के साथ होगी इसके साथ में, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, ए एम क्यू, और दूसरा इसका एंगल आर एन टी, यानी इसका पेयर किस साथ होगा, इसके साथ।
ये दोनों जो पेयर मैंने आपको समझा है वो किसका था, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। हमने इसमें दो एंगल दो पेयर देखा, पहला क्या देखा, एंगल ए एम पी एंड एंगल टी एन एस, और एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी। अब डायग्राम में देखिए एक चीज़ और समझाता हूँ, जैसे ये एंगल है पी एम एन, ये एंगल समथिंग देखिए कुछ इस तरह है जेड टाइप, कभी भी याद रखिएगा ये ऐसा ये ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ओके, आई होप आपको ये जो हमारा सेकेंड लेसन है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल उसकी पूरी बेसिक आपको समझी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 अपलोड करने वाला हूँ। ओके।